मीरा भाईंदर शहर में जब से जय कुमार को मेट्रो का काम मिला है, तब से मीरा भाईंदर शहर में कई बार जय कुमार के कर्मचारियों द्वारा कुछ न कुछ आपराधिक मामलों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे कभी आम जनता से मारपीट, कभी पत्रकार से मारपीट, तो कभी उचित सुविधा न होने के कारण मजदूर की मौत। एक लड़का खाना खा रहा था, दो दिन पहले आया था, वो अगर आलम नहीं मेटल था ही नहीं। रहा होता, उसका एक भी लेबर हाथ नहीं लड़ाई किया। और जो लेबर दो दिन पहले आया था वो सुपरवाइजर है, तो वो खाना खा रहा था, वो दो दिन पहले आया था, वो मतलब ही नहीं रहता, वो इतना सीधा सिर्फ काम करता है, काम से काम। कल हमारे एक लेबर को वही सबसे ज्यादा मार के सुला, वो खाना खा रहा था, उसको मारे शरीर में फट गया। 5,000 से 7,000 कर्मचारी मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन 70% मजदूरों का पहचान पत्र या पुलिस एनओसी तक नहीं है। कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा कर्मचारी किस जगह से आया है और क्या उसने कभी कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए बीती रात जय कुमार के कर्मचारी दारू पीकर जुआ खेलते हुए मारामारी कर बैठे और मारामारी इस कदर बढ़ गई कि 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे गाँव के सब भाई है और वो आलम करके आदमी है, वो अपने लेबर को बोला के सप्लाई के लेबर को सबको मारो, तो जो जो बाहर थे वो लोग तो बच गए, जो जो खाना पीना बना रहे थे उनको जाके फालतू में मार दिए बिना कोई वजह के। ये 2-3 लोगों का झगड़ा था बाहर में, ये बाद में मालूम चला, मगर ये लोग यहाँ कॉन्ट्रेक्टर अलग अलग हैं, इसलिए सप्लाई के लेबर और वो RMC और टिप टॉप के लेबर में हुआ, तो बोले टिप टॉप का वो जो फॉरमैन है वो बोला कि कागलन की सप्लाई के लेबर को सबको मारो, ढूंढ ढूंढ के मारो, गेट बाहर से बंद कर दिया, अंदर कोई बाहर जा ही नहीं रहा था। सर कमरा लगा है, अगर चालू होगा तो इससे मालूम चल जाएगा कि कौन कौन मारा है कौन कौन नहीं मारा है। और लोग तो सब लोग भाग गए हैं, और 3 लोगों को चोट लगा है, वो भी सीरियस है। नहीं नहीं हम लोग नहीं खेलते हैं सर, वो सब बाहर और खेल के झगड़ा लगाते हैं, तो बाहर का मैटर बाहर, यहाँ सब बाहर से आए हैं, गरीब लोग हैं, कमाने के लिए अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, यहाँ जुआ कौन खेलेगा। वो बाहर कुछ लोग हैं अपना जाके खेलते हैं, तो बाहर वाले बाहर समझे, यहाँ अंदर कोई नहीं खेलता है। न्याय क्या, वो सब सही रहे और क्या, बार बार झगड़ा नहीं करना चाहिए, यहाँ सब प्रदेश में हैं, सब गरीब वर्ग हैं, सब लोग को कमाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा करने से थोड़ी कुछ होगा। जय कुमार कॉटेज में हुई मारपीट में जिस तरह से लोहे के रॉड और बांबू का इस्तेमाल किया गया था, अगर पुलिस इन पर उचित लगाम नहीं लगाएगी तो आने वाले समय में बड़ा हादसा होने की पूरी उम्मीद है। क्या कॉन्ट्रैक्टर और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अरे ये आधा खाना लेके कहाँ जा रहे आप? खाना लेके किधर जा रहे हैं? यहाँ से काम खत्म हो गया। हाँ। आपको बोला गांव जाने के लिए? हाँ। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्या बोला गांव जाओ? तो तुम्हारा जो पैसा है कौन देगा? माली, सुपरवाइजर दे है, माली दे है, माली। तुम जा रहे गांव? कितने साल पहले आए थे इधर? हमने पहले आई लीजिए साहब, एक महीना से कम ना, एक महीना से कम ना। कहाँ जा रहा है? रूम पे। रूम पे जा रहा है? गांव जा रहा है, रूम पे। क्यों जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं, गांव। किधर जा रहे हैं? क्यों निकल जा रहा है? जा रहे हैं ये बताओ अभी क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत हो गया? जा रहे हैं, सोच रहे हैं काम करना। कल जो मारपीट हुई थी उसके कारण जा रहे हैं? हाँ। तो अभी आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। तुम किधर लेके जा रहे सामान? काम पर। तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे? हमारा जो पेमेंट है वो मिलेगा कैसे? मिलेगा न। किधर जा रहे हैं? घोड़बंदर। क्यों? अब इधर नहीं करेंगे, उधर ही जाएंगे, उधर से गाँव जाएंगे हम लोग। इधर नौकरी पर भी निकल गए क्या? हाँ तब क्या करेगा? नहीं नहीं निकाला नहीं, हम लोग को दूसरे साइड पे ले जाएगा।
पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जय कुमार के अधिकारी पुलिस पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर क्राइम पुलिस निरीक्षक विजय पवार ने क्या कहा। अभी तक तो हमने सीसीटीवी फुटेज का सब देखकर एक 4-5 लोगों को लाए हैं, उनको वेरीफाई करके फिर अरेस्ट प्रोसीजर जो है वो चलेगा, और बाकी जो लोग घायल है उनके ऊपर अभी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। दूसरा कारण ये आपस में ये लोग जो है तो कुछ ताश पता नहीं कि जो खेल रहे थे आपस में, उनकी वजह से इनमें आपस में हाथापाई हो गई है। तो ये हाथापाई की वजह से ये हादसा जो हुआ है, पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो लोग इधर है वो प्रॉपर इधर के है या नहीं वो सबका हम उनका वेरीफाई करेंगे। सिक्योरिटी जो है इधर की, तो ये प्रॉपर लोग जो है, तो ये बाहर के लोग है या सिक्योरिटी के लोग है, वो भी इन्वेस्टिगेशन चालू है।